ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज मिर्जा के इस क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ का शिलान्यास श्रद्धेय आचार्य श्री करके गए और करीब एक वर्ष के पश्चात मैं इधर आया हूँ, तो मैंने देखा है कि आने के बाद ये पूरा पतंजलि योगपीठ यहाँ बन करके तैयार हो गया है। इसमें असम के हजारों युवक युवतियों को योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये गुरु शंकर देव और माधव देव की पुण्य भूमि है और मेरे गुरुजी का नाम भी शंकर देव। ये धर्म भूमि है, ये योग अध्यात्म संस्कृति की, योगियों की, सन्यासियों की, ऋषियों की पुण्य भूमि है, वीर वीरांगनाओं की पुण्य भूमि है और मेरी जन्मभूमि। ऐसे तो ये मातृभूमि पूरी भारत भूमि है, लेकिन शरीर का जन्म कहीं ना कहीं किसी स्थान पर होता है, तो मेरी जन्मभूमि उत्तर भारत में है, तो मेरी कर्म भूमि ये असम है। यहाँ से मैंने अपना कर्म योग शुरू किया। 1993 में हम सबसे पहले सेवा के लिए जब बाहर निकले, तब सबसे पहले हमने अपनी सेवा का कार्य इसी असम प्रांत के उदालगुड़ी के भैरव कुंड से उधर भूटान बॉर्डर से शुरू किया था। और लगभग इन 24-25 वर्षों में असम में मैं जब जब आया हूं, मैंने यहां पर 100 से ज्यादा बड़े प्रोग्राम किए हैं पूरे असम में। और उन 100 से ज्यादा प्रोग्रामों में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की है और असम का झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बहन से लेकर के और अट्टालिकाओं में बैठे सब भाई बहनों का मुझसे बहुत प्रेम है। ये मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है। अभी घोड़ामारी में, तेजपुर में हमने सोचा था 20-25 हजार भाई बहन आएंगे, लगभग 1.5 लाख लोग वहां पर असम में तेजपुर के उस घोड़ामारी के कार्यक्रम में अपने आप घरों से निकल निकल के। ये तो यहाँ का अभी विधिवत कार्यक्रम बाकी है। ये तो हम आए थे तो हमने कहा आपसे बिना मिले नहीं जाएंगे, अभी तो असम में बहुत काम करना बाकी है। इधर योगपीठ बन गया है, पतंजलि का भी बड़ा यूनिट पहले यहाँ गुवाहाटी में लगने की कुछ बात शुरू हुई, फिर जो भी जोग संजोग बना तेजपुर में अब बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। तेजपुर का तो एक प्रोजेक्ट है, ऐसे कम से कम 10-11 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर सेवा के पतंजलि की तरफ से किए जाएंगे। बहुत लोगों में बहुत उम्मीदें हैं। अभी हमने तेजपुर में जो पतंजलि का यूनिट
वहाँ पर अभी शुरू करने का शिलान्यास किया है। श्रद्धे आचार्य बक्षण जी ने बोला कि ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि 90 दिनों के भीतर पतंजलि का वो प्रोडक्शन यूनिट चालू हो जाएगा, 90 दिनों के भीतर। और 3 महीने के अंदर वहां कितना बड़ा कार्य हो रहा है। अभी तो वहां जंगल था, पहले हाथी आता था उधर, चारों तरफ झाड़ झंकाड़ था। 1 सप्ताह में जो कल भाई बहन उधर गए, उन्होंने देखा कि वहां पर जंगल में मंगल हो गया। और अभी 100 दिन के बाद 15 फरवरी को आचार्य जी ने डेट तय किया है। 100 दिन के बाद जब वहां उद्घाटन होगा तो 20,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन का कैपेसिटी का वहां यूनिट लगेगा। 20,000 करोड़ रुपए, ये तो एक यूनिट है। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहां मेरे पास में बहुत प्रार्थनाएं आई। ऐसे हम लोग चाय पीते नहीं है, किसी को पिलाते भी नहीं है, लेकिन इधर जो छोटे छोटे चाय बागान हैं उनके किसान संकट में, तो काली वाली चाय तो हम नहीं लेकर के आएंगे, लेकिन जो ग्रीन टी है और उसमें भी जो ऑर्गेनिक टी है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए नुकसान नहीं करती है, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तत्व होते हैं उसमें। ये जो चाय को जब फर्मेंट करके और ब्लैक कर देते हैं, उस समय एसिडिटी, गैस्ट्रिक और कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो ग्रीन टी का हम प्रचार करेंगे, और मुझे लगता है सैकड़ों चाय बागान के जो छोटे छोटे किसान हैं उनका आजीविका संकट में है, उनकी खेती संकट में है, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, क्राइसिस है, चैलेंज है। तो हमने तय किया है प्रिंसिपली कि पतंजलि की तरफ से ग्रीन टी भी लॉन्च कर देंगे। हमारे बहुत से मीडिया के भाइयों ने ये प्रश्न किया जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इधर गुवाहाटी में। कल मैं उधर जब तेजपुर में बात कर रहा था तब भी बहुत लोगों ने नीचे से आवाज़ दिया। यहाँ के अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों ने भी कहा कि बाबा जी ये चाय के बारे में भी कुछ करो। मात्र बात चाय की नहीं है, इधर मैंने चावल देखा, बासमती चावल से भी अच्छा चावल है इधर आसाम का। इधर वो एक काला चावल होता है, क्या बोलते हैं उसको, जोहा। ओहो, ओ जोहा तो सुपर सुपर राइस है, सबसे नाइस राइस है। ओ जोहा, हम पहले तो अनाज खाते नहीं थे, 18 साल तक हमने अनाज नहीं खाया। आज ये उदय गोस्वामी ने हमको जोहा चावल का खीर खिलाया, इतना स्वादिष्ट खीर बनता है रे भाई उसका तो। और उसका खेत के पास से निकलो तो दूर से सुगंध आता है। जैसे बासमती चावल का ब्रांडिंग पूरे देश में हो गया, यहाँ के जोहा चावल का ब्रांडिंग हम पतंजलि से पूरे देश में करें। तो खाली पतंजलि जो है वो एक फील्ड में काम नहीं करेगा। और हमारे जो इधर असमिया भाई हैं, ये जो यहाँ के मूल किसान हैं, वो अपने खेतों में यूरिया डीएपी नहीं डालते। जो ऑर्गेनिक जोहा राइस और दूसरा कौन सा था, आइजोम, अब वो हमको तो नाम भी पूरा पता नहीं उसका, लेकिन इतना पता है वो बहुत अच्छा है आइजोम। तो आइजोम से लेकर के जोहा, इन सब का हम इधर भी किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता है, हम किसानों को भी पूरा मूल्य देंगे और आपको भी सस्ते दाम में खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराएंगे। अभी मैंने देखा जोहा चावल का ऑर्गेनिक के लेबल लगा हुआ था, उसका रेट लिखा हुआ था 175। जोहा ऑर्गेनिक, नीचे जोहा चावल 175। वो किसान को कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई। ऐसे असम का, ये तो एक बात मैंने बताया, जो भी यहाँ की खेती है और जो ऑर्गेनिक खेती है,
हमने अभी पतंजलि का ऑर्गेनिक ब्रांडिंग शुरू नहीं किया था, हम नेचुरल फूड प्रोडक्ट करके देते हैं, उसमें ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें होती हैं, मींस उसमें यूरिया डीएपी जो है उससे हम बचने की कोशिश करते हैं, और आंवला एलोवेरा इसमें तो बिल्कुल नहीं डालते, वो एकदम बिना केमिकल के आंवला एलोवेरा और तमाम जड़ी बूटियों की खेती हम करवाते हैं। लेकिन खाने पीने की चीज़ों में हमने ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं किया था, लेकिन अभी हम आसाम में आ गए हैं, असम से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट में बहुत से हजारों लाखों किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो अब पतंजलि की तरफ से ऑर्गेनिक ब्रांडिंग भी होगा और उससे असम के लोगों को फायदा होगा। फिर हम सारी चीजें खुद नहीं बनाएंगे, अब चावल कोई फैक्ट्री में थोड़ी बनता है, चावल तो खेत में पैदा होता है। ऐसे ही ये कितना अच्छा है, ये इधर का रेशम का इसका कुर्ता बनाओ, इसका जॉकेट बनाओ, कोई बाबा जी है तो इसको रंग की पहन लो, ये इतना सुंदर है, अब हम इसको गैरवा भी कलर कर देंगे। तो इधर जो हाथ से कपड़ा बुनते हैं, इस कपड़े को हम जो बुनकर हैं, जो मजदूर हैं, बहुत सी माँ बहनें इस काम में लगी हैं, इस कपड़े को हम खरीदेंगे और पूरे देश और दुनिया के मार्केट में इसको भेजेंगे, तो हजारों बुनकरों को काम मिलेगा। ये इतना सुंदर, ये तो एक तरह का कपड़ा है, इधर का महिलाओं का ये जो अलग अलग तरह का ड्रेस है ना, बहुत अच्छा अच्छा है। हमने पतंजलि की तरफ से जो टेक्सटाइल का काम करना का संकल्प लिया है, उसमें मात्र जींस ही नहीं बिकेगा, जींस भी होगा, धोती भी होगा, लंगोटी भी होगा, कोट भी होगा, खादी भी होगा, फैशन भी होगा, अंडरगारमेंट्स भी होगा, बच्चों का भी, माताओं का साड़ी सलवार भी होगा, देश का सारा कपड़ा, असम का कपड़ा पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा, और उधर पश्चिम बंगाल का कपड़ा, और उधर पूरा दक्षिण भारत का, पूर्व पश्चिम पूरे हिंदुस्तान को हम जोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा आधार है, लेकिन इसमें विदेशी कंपनियां घुस गई है। महात्मा गांधी का खादी का देश, एक विदेशी कंपनी, उसका नाम है फैब इंडिया, वो उसने खादी पर कब्जा कर लिया। हमारा संकल्प है, राजनीतिक आजादी से देश को 70 साल पहले मिल गई थी, लेकिन अभी भी देश को आर्थिक आजादी नहीं मिली है। करीब 25 लाख करोड़ रुपए का हम बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं। कितना बोला, जोर से बोलो, 25 लाख करोड़ कितना होता है पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट 10-11 लाख करोड़ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से डबल से भी ज्यादा हम क्या करते हैं, इंपोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना बजट होता है उससे आधा तो करीब हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं, और चाइना वाला क्या क्या करता है तुमको सब पता है। चाइना वाला हमसे पैसा लेता है और पाकिस्तान के आतंकवादियों को देता है, और वो हमारे देश पर हमला करते हैं, हमारे बेकसूर लोगों का कत्ल करते हैं, जुल्म ज्यादती करते हैं, कहीं पर भी लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं सीमाओं पर। तो हम कसम खा करके जाएं कि हमारे घर में एक भी चाइना की वस्तु नहीं आएगी, ये संकल्प हर एक भारतीय को लेना चाहिए। मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं एक भी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता, घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर, मोबाइल से लेकर के, पेन से लेकर के और कॉपी तक एक भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करता। 25 लाख करोड़ रुपए का बाहर से इंपोर्ट होता है, और हेल्थ सेक्टर में मशीन से लेके दवा से लेके हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के फील्ड में, और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर के फील्ड में, ऑटोमोबाइल, टेक्निकल चीजें, कुल मिलाकर के साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, क्रीम पाउडर से लेकर के हमारे खाने पीने की
आटा, नमक, चटनी। अब नाम रख दिया किसान। आदमी सोचता है किसान तो हिंदुस्तान का ही कोई ब्रांड होगा, ये यूनिलीवर का ब्रांड है, विदेशी ब्रांड है। हमारे घरों में टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू से लेकर सब चीजों में घुस गया करीब 25 लाख करोड़ का। यहां पैदा करता है, प्रोडक्शन करता है 50 लाख करोड़ रुपए की। देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, तो क्या देश आर्थिक रूप से आजाद है? नहीं है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा और कितने साल गुलाम बना के रखा? 200 साल। अब तो करीब 5,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां, तो संकल्प लेकर के जाए, ये 50 लाख करोड़ रुपए का लूटती है। हमने संकल्प किया है ये 50 लाख करोड़ का लूटती है, हम सब मिलकर के 16 लाख करोड़ का प्रोडक्शन देश में क्यों नहीं कर सकते? पूरी दुनिया में 50 से 50 to 80% पूरी दुनिया में चीन का माल मिलता है। कोई पूरी दुनिया में चले जाओ, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूं। तो हम अपने देश में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते? और कितने आदमी चाहिए इसके लिए? 100 आदमी चाहिए। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं, बाद में गुरुकुल में पढ़ाऊं। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गांव में पैदा हुआ। मैं कोई उद्योगपति घर में पैदा नहीं हुआ हूं, कोई राजनीतिक घराने में, औद्योगिक घराने में, कॉरपोरेट हाउस में, पॉलिटिकल हाउस में मेरा जन्म नहीं हुआ है। कोई राजनीतिक, कोई राजा महाराजा के घर में जन्म नहीं हुआ। हम रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में पढ़ा करते थे, या स्ट्रीट लाइट जलती है तो कभी कभी गांव में दो दो तीन जगह ऐसे लाइट जलती थी, उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे। वहां से हमने अपने जीवन की यात्रा शुरू की। हमने संकल्प लिया है आने वाले 5 वर्षों में पतंजलि की तरफ से हम 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करेंगे देश में, 1 लाख करोड़ रुपए। और इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से देश को बचाने के लिए एक कदम हम आगे, जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो और भी देश में कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, लोगों को हौसला मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम है और इस काम में मुझे पूरे देश के लोगों ने आशीर्वाद दिया, साथ दिया। मुझे याद है मैं 20-25 सालों से सुनता था और मैंने सुनकर के अनसुना कर देता था। लोग कहते थे जमाने में कोई किसी का साथ नहीं देता। भाई बहनों, मैं तो इतना जानता हूँ, जब मैं घर से निकला था तब अकेला था और आज आगे पीछे मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने साथ में पाता हूँ। या आपको देखता हूँ मैं, हजारों बेटियाँ, अभी हमने कार्यकर्ताओं को बोला कि एक एक गांव में जाके प्रचार करो, योग का शिविर लगाओ, घर घर में जाके लोगों को निमंत्रण दो। हजारों बेटियां जो अभी स्कूल में पढ़ती हैं, स्टूडेंट हैं, वो बोले हम 7 दिन सेवा करेंगे। कुछ अभी पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी उनका उम्र है 15-20 साल का, 25 साल का। ऐसे हजारों बेटियों ने, बेटियों का घर से बाहर निकलना बहुत हौसले का, हिम्मत का काम है। इधर हमारे असम में कार्यकर्ता भाई तो बहुत अच्छे हैं ही, यहाँ बहनें भी भाइयों के बराबर में काम करती है, कोई कम नहीं। तो एक बार सब बहनों के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए, ये बहुत बड़ी सेवा है। इतनी बहनें यहाँ पर, मैं तो ऐसे कभी कभी देखता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, दिल भर आता है। कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। मुझसे लोग बोले बाबा जी असम में आप इतना बड़ा यूनिट लगा रहे हो, डर नहीं लगता? मैंने कहा हमको तो असम से इतना प्यार हो गया है कि डर हमारे हजारों कोस दूर चला गया है। लोगों ने असम के नाम से बहुत तरह की गलत फहमियां पैदा कर रखी हैं। असम हमारे इस भारत भूमि का
सबसे गौरवशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली और बहुत ही प्यारा हमारा प्रांत और अब देश में अग्रणी प्रांतों में सम्मिलित होने वाला है। ये बहुत आगे जाना है, हेल्थ की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से, इंडस्ट्री की दृष्टि से, हर फील्ड में असम को आगे बढ़ाना है। इसके लिए आप भी सेवा कीजिए, हम आपके साथ सेवा करेंगे। खाली पतंजलि का 5-10 यूनिट यहाँ पर बन जाएगा उतना ही बात नहीं, हर जिले में, सुन लो भाई बहनों, हमारे बहुत अच्छे प्यारे भाई बहन हैं, हमको ये काम करना है। कुछ लोग केवल पहाड़ों पर चढ़ने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं, बोलते हैं ये पर्वतारोही है, माउंटेन्स पर चढ़ने में जिंदगी बिता देते हैं। कुछ लोग खेलने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं, कुछ लोग खाली कुछ खेती करने में, कुछ मजदूरी करने में, छोटे छोटे अलग अलग कामों में जिंदगी बिता देते हैं, कुछ लोग संगीत में, अलग अलग कामों में, अपने अपने लाइफ का अलग अलग मकसद होता है, अलग अलग डिफरेंट नॉलेज स्किल, अलग अलग पर्सनैलिटी होता है सबका डिफरेंट, जैसा जिसका नॉलेज स्किल होता है अलग अलग फील्ड में सब लोग काम करते। मैं चाहता हूँ कुछ लोग सब काम करते हुए थोड़ा सा समाज के लिए भी समय निकालें, और आपने थोड़ा समय निकाला तो हम असम के हर प्रांत में पहले एक एक और उसके बाद जहाँ जरूरत पड़ी तो एक एक जिले में दो दो, चार चार, पाँच पाँच, दस दस एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खड़े कर दें, एजुकेशन का काम करेंगे, स्कूल एजुकेशन से लेकर के कॉलेज एजुकेशन और हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी हमें जो भी काम करना पड़ा इसके लिए, लेकिन हमको आप में से कुछ भाई बहनों की ज़रूरत है। अभी आप लोगों ने सेवा शुरू की है, ये सेवा का प्रारंभ मात्र है, इतनी बड़ी सेवा करनी है, सेवा का नाम लिया जाता है तो कुछ संस्थाओं के नाम हमारे टिप्स पर आ जाते हैं, कुछ संस्थाएं सेवा के नाम पर धर्मांतरण भी करती हैं। हम सेवा के नाम पर किसी का धर्मांतरण करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आदमी मनुष्य मनुष्य बने ये काम हम करेंगे, आदमी को आदमी बनाना, उसके भीतर के देवत्व को जगाना, उसके भीतर राष्ट्रभक्ति जगाना, उसके भीतर आस्तिकता, आध्यात्मिकता जगाना, पवित्रता, सच्चरित्रता जगाना, बहुत बड़े काम है। तो मैं दो तीन बात कह के फिर आपको आज योग के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। तो 365 दिन में 5 से 7 दिन आप मेरे लिए रिजर्व रखना, इतना तो दे सकते हो। 365 दिन में कितना मांगा? 5 से 7 दिन। मैंने पूरी जिंदगी दी है, मैं 365 दिन देश धर्म और संस्कृति के लिए जीता हूं, सबके लिए जीता हूं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं है, बैंक का खाता खुलवाया ही नहीं, और अंतिम श्वास तक स्वामी रामदेव का कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति स्वामित्व नहीं होगा। नो पर्सनल वेल्थ, नो पर्सनल लैंड, नो पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कुछ नहीं चाहिए। और श्रद्धेय आचार्य जी ने भी यही संकल्प ले रखा है, इसलिए हमने घोषणा की पहली बार दुनिया में, ये तो कंपनी लॉ के अनुसार कंपनी बनानी पड़ती है, इसलिए हमारे ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, लेकिन ये पतंजलि का काम कंपनी में ही हो सकता है, ऐसा लॉ है, कानून है हिंदुस्तान में। तो उस कंपनी का हमने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट केवल और केवल चैरिटी के लिए होगा, देश की सेवा के लिए होगा, आपकी सेवा के लिए होगा, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए होगा, गरीब लोगों की दवाई के लिए होगा, गोमाता पर अनुसंधान के लिए होगा, जड़ी बूटियों पर, वेदों पर अनुसंधान के लिए होगा, गरीबों की सेवा के लिए होगा 100%। पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा, पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई गृहस्थ नहीं होगा, हम इस दुनिया में जाने से पहले अपने जैसे सैकड़ों योगी, सन्यासी, ब्रह्मचारी भी दे करके जाएंगे।